नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नाभि को कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा नाभि चक्र ठीक नहीं है तो हमारा पूरा शरीर की जो सिस्टम है गड़बड़ा जाता है। आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि नाभि को कैसे ठीक किया जाए। नाभि या तो ऊपर की साइड ज़्यादा खींच सकती है या नीचे की साइड। अगर नीचे की साइड ज़्यादा खींच सकती है तो हमें लूज मोशन लगते हैं, अगर ऊपर की साइड होती है तब हमें कब्ज, एसिडिटी, अफारा आता है और पेट में ऐठन बनी रहती है, पेट में दर्द रहता है। आइए दोस्तों, इसको पहले तो हम चेक करते हैं हमारे देसी तरीके से। उंगलियों को इस तरह कर लेंगे और नाभि के बिल्कुल सेंटर में हल्का सा दबाव देंगे। अगर नाभि हमारे सेंटर में है तो हल्का सा उछाल उसके अंदर आएगा, नाभि के अंदर। अगर हमारी नाभि साइड में है, ऊपर है या नीचे है, तो हमें इससे पता लग जाएगा। ये तो था पहला तरीका, एक्सपर्ट लोग इसको बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका आपको बताएंगे। एक आप इस प्रकार का स्केल या कोई रस्सी ले लीजिए, नाभि के बिल्कुल सेंटर में रखिए। जेंट्स के लिए बता रहे हैं नापने का तरीका। और जो हमारी चेस्ट की जो निप्पल है उस तक नापिए। अगर दोनों चेस्ट तक जो रस्सी है बराबर समान मात्रा में समानांतर है तो हमारी नाभि बिल्कुल सही सेंटर में है। अगर नाभि थोड़ी सी ऊपर या नीचे साइड में होगी तो हल्का सा नीचे हो सकती है निप्पल से या ऊपर हो सकती है। यह आप देख सकते हैं, इस प्रकार रस्सी की सहायता से भी आप नाभि को नाप सकते हैं। दूसरा तरीका महिलाओं के लिए, दोनों हाथ की जो मिडल फिंगर होती है, सबसे बड़ी उंगली, इस पर किसी पेन, पेंसिल या कोई भी स्केल की सहायता से आप अपनी मिडल फिंगर को पूरा मापिए। नीचे का जो रेखा है उसी से ऊपर के टॉप तक नापिए और दोनों उंगलियों को मापिए। अगर दोनों ये समान है तो हमारी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा फर्क नज़र आता है, छोटी या बड़ी लगती है, तो हमारी नाभि अनबैलेंस है। तो दोस्तों, आइए अनबैलेंस नाभि को ठीक करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले तरीका है, ये एक नाभि पंप है जो आपको मार्केट में या अमेजोन साइट पर या किसी भी ऑनलाइन साइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको नाभि के बिल्कुल सेंटर में रखना है, हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करना है। इसको आप 3 से 4 बार करें, बिल्कुल धीरे धीरे। नाभि जो साइड में खिसकी हुई होगी तो इस प्रक्रिया के द्वारा सही सेंटर में आ जाएगी। इसको 3 से 4 बार 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 करें, 1 से 2 मिनट तक। इस प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी है। ज़्यादा करने से कई बार पेट में स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा सावधानी के द्वारा ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नाभि हमेशा हमें खाली पेट सुबह के टाइम ही ठीक करने चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके द्वारा आप नाभि को बैलेंस में कर सकते हो। ये देखिए, अभी दूसरी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। अगर नाभि ऊपर की तरफ हो तो हमें क्या होती है, कब्ज होती है, गैस बनती है, तो उसको ठीक कैसे की जाए। इसके जो पांव होते हैं, पांव पर हल्का सा ऑयल, सरसों का तेल ले लेना है और टखने के बिल्कुल नीचे की तरफ उंगलियों से हल्का सा दबाव देते हुए मसाज करनी है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ। इस मसाज को आप लगातार 1 से 2 मिनट तक लगातार कीजिए, दोनों तरफ, ऊपर से लेके नीचे टखने तक और अंदर की तरफ अंगूठे से। इस प्रकार से हल्का सा उंगलियों का दबाव और अंगूठे का दबाव देकर नीचे की तरफ मसाज करनी है। ये देखिए, टखने के बिल्कुल नीचे से इसको आप अंदर की तरफ भी करनी है, इस प्रकार से हल्का सा ऑयल ले लीजिए, जिससे हमारी स्लाइड अच्छे से हो पाएगी। इससे भी जो नाभि ऊपर की तरफ, नाभि से ऊपर की तरफ है, जिससे हमें कब्ज रहती है, वो भी सेंटर में आ जाएगी। और जो पैरों की मिडल फिंगर है,
उसको भी खिंचाव देना है, इस प्रकार से दोनों में खिंचाव करना है, इस प्रकार से। कुछ देर खिंचाव रखना है, बाद में पाँव को नीचे की तरफ दबाव देना है। इससे क्या होगा, नाभि जो ऊपर की तरफ है वो बिल्कुल सही सेंटर में आ जाएगी। अगर नाभि नीचे की तरफ है, इससे हमें लूज मोशन लगते हैं, दस्त लगते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए एक एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट। पहले तो एक पाँव को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से जिनकी नाभि अनबैलेंस है उसको पकड़ाएंगे। एक नीचे वाला पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा और आगे से चेस्ट से उठकर नाक को घुटने से टच करेंगे, इस प्रकार से। वो कुछ देर रोक के रखना है, 5 से 10 सेकंड तक, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। फिर दूसरे पाँव से इसी प्रकार फोल्ड करके पाँव को मोड़कर नाक को घुटने से टच करना है। इससे क्या होगा, जो नाभि नीचे की तरफ है इससे सेंटर में आएगी। अभी दोनों करने के बाद दोनों पाँव को एक साथ फोल्ड करना है, इस प्रकार से। दोनों हाथों से इंटरलॉक लगा के चेस्ट का एरिया उठा करके नाक से टच करना है। इसे बोलते हैं पवन मुक्तासन। इससे क्या होगा, नाभि अगर हमारी कई सालों से अनबैलेंस रहती हो तो इस एक्सरसाइज से आपकी नाभि बिल्कुल सही सेंटर में हो जाएगी। यह एक्सरसाइज आपको सुबह खाली पेट करनी है। अभी दूसरे पाँव के अंगूठे को पकड़कर बिल्कुल सीधा रखते हुए पाँव को सीधा उठाना है, इस प्रकार से। नीचे वाला पाँव बिल्कुल सीधा होगा, पाँव को बिल्कुल सीधा उठाना है, फिर धीरे धीरे वापस नीचे, फिर दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा उठाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, कुछ देर रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ कर। अभी दोनों पाँव के अंगूठों को एक साथ पकड़ करके इस प्रकार उठाएंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप इसे सुबह खाली पेट कीजिए तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। खाली पेट इससे जो नीचे की नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। धीरे धीरे नीचे करेंगे इसको, ये देख सकते हैं दोस्तों, नाभि हमारी अगर नीचे हो तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ऊपर वाली आपको बताई, नीचे वाली बताई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, जय हिंद।